हेलो क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू ड्रिल 25 द नेक्स्ट वन ई, है ना। इसके पहले अपन ए टू डी पढ़ चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट ड्रिल आपका 25 में है, विच वन कम्स नेक्स्ट सर्कल द आंसर, ठीक है ना। कौन सा जो नेक्स्ट का पैटर्न आने वाला है उस पर आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको ये बता रखा है बच्चों, प्रॉब्लम्स है ना ये वाला, और इसका जस्ट करेक्ट जो आंसर है वो इसमें, नेक्स्ट पैटर्न आपको इसमें देखना है। तो आपने बच्चों ये देखा, ये वाला पार्ट, इसके बाद ये जुड़ गया है ना, उसके बाद ये वाला ऐड किया और ये वाला नेक्स्ट ये ऐड किया, उसके बाद नेक्स्ट ये ऐड किया, तो इसके बाद क्या आएगी पोजीशन। तो इसके बाद ये वाली पोजीशन आनी चाहिए है ना। ऊपर वाले पार्ट से देखेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो कौन सा वाला सही है आपका, ई वाला, क्योंकि इसका जस्ट नेक्स्ट जो जो एक बॉक्स वो आपका बढ़ाया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ जो पैटर्न दे रखा है बच्चों, ये देखो ये वाला पार्ट के ऊपर जो है आपका एक ही माउंटेन जैसा और टू ये ट्रायंगल जैसा बना हुआ, फिर ये 1 2 3 एक साथ ट्रायंगल बने हुए, जस्ट इसके पार्ट वापस से इसका अपोजिट यूं किया है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इधर चला गया, तो इसका जो नेक्स्ट पोजिशन होगी थी वो इसकी अपोजिट ही होगी, तो ये वाला पार्ट इस तरफ हो जाएगा, है ना, उल्टा, और ये फर्स्ट पे डॉट आ जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर सी होगा। सी पे आपको सर्कल बनाना है। नेक्स्ट आप देखो सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड में बच्चों देखो, ये वाला जो एरो बना हुआ है ये कट का साइन है, फिर ये सिंपल एरो, फिर वापस से कलर्ड वाला एरो आया है, फिर से वापस ये वाली पोजीशन, तो इस वाली पोजीशन के बाद कौन सी वाली पोजीशन आनी चाहिए, ये वाली है ना, ये वाली, और इस पर कट का साइन आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये वाली तो होगी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सी पोजीशन होगी आपकी, ये वाली पोजीशन, ठीक है ना। ये इस डायरेक्शन में जा रहा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ई यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है, ठीक है सेकंड क्लास। नेक्स्ट देखो पोजीशन, नेक्स्ट वाला जो पार्ट देखा अपन ने, देखो ये बच्चों आप देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रखा है ना, डिसेंडिंग जैसे कि लाइन से जो देखो इसमें मोर दिख रही है, इसमें उससे भी कम, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम, फिर सबसे कम, ठीक है ना। 1 ये 3 ये 4 4 लाइन्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 5 लाइन्स वाला आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो पोजिशन है बच्चों, इसके आमने सामने है, तो इसकी पोजिशन वाला ही पार्ट आपको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपने एक तो 5 लाइन्स होनी चाहिए, और इसकी जैसी पोजिशन का देखते हैं अपन, नेक्स्ट 5 1 2 3 4 5 और ये वाली पोजिशन देखो, तो आपके बी के ऊपर आपका सर्कल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट बच्चा ड्रिल 26 है आपका द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट उसका अगला वाला पार्ट है ना। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही रीड कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपका रिपीटेड है ना। तो एग्जाम्पल के रूप में अपन ये वाला पार्ट देख रहे हैं, बॉक्सेस देखिए, 1 ये वाला कलर्ड आ गया, फिर 1 छोड़ के रेड पर्पल रेड, ठीक है, फिर आगे से आगे बढ़ रहा है, तो अपना जस्ट इसके बाद क्या आना चाहिए आपको, इसी रो के अंदर ये पर्पल के बाद क्या आना चाहिए आपके, रेड वाला आना चाहिए। तो देखो कलर्ड वाला पार्ट आपका ही, इसके जस्ट पार्ट देखो, ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट होगा, तो इसलिए सी पे आपका सर्कल आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटो बच्चों, एक्सरसाइज फर्स्ट में देखते हैं, ये देखो 2 अपन पीछे से समझते, तो 1 2 3 लाइन और 3 बॉल्स, 1 2 और 3 बॉल्स, ठीक है, फिर ये 2 जो है दिस लाइन और 2 बॉल्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा आएगा, क्योंकि इसके जस्ट सेम वाला पार्ट, तो इसका जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट ये वाला होगा, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये वाला पार्ट आपका सही जाएगा, ठीक है ना। 1 लाइन्स आएगी और ये 2 बॉल्स, तो सी के ऊपर आपका सर्कल आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, ये आपका ट्रायंगल, फिर 3 बॉल्स, फिर 2 कलर्स हैं, फिर एक, फिर ये 3 बॉक्सेस स्क्वायर जैसे बने हुए जिसमें 3 कलर्स एक साथ, 2 कलर ग्रीन वाले, मतलब कि ग्रीन वाला तो 1 कम है और ये बढ़ता जा रहा है ना, जैसे 1 कलर, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, तो अब ये 4th तो एक जैसे होंगे और 3 ये एक जैसे होंगे, तो इसके बाद ये तो ये तो हो नहीं सकता आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ये वाला होगा डी, 1 2 3 4 एक जैसे और 1 2 3 ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब सर्कल वाला पार्ट ही आएगा, इसलिए ये डी होगा, डी पे आपका सर्कल आएगा, है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये वाला पार्ट 3, ये वाली पोजीशन आपने ठीक से देखी है, फिर इस वाले डायरेक्शन में आपका नई जस्ट पोजीशन दे रखी है, ग्रीन है फिर ऑरेंज,
ठीक है। अब इस ऑरेंज के साथ ये ऑरेंज और ये ग्रीन बॉल्स बनी हुई, इसकी पोजीशन देखने के बाद आप जस्ट वापस से देखिए कि ये वाली पोजीशन दे रखी है और ग्रीन में पूरा टोटल ग्रीन कलर में कलर कर रखा। तो इसके बाद वाली पोजीशन आपको पूछी है तो आपको पता है ऑरेंज वाली पोजीशन ही आएगी, इसके बाद वाली पोजीशन तो ऑरेंज वाली आएगी, तो ये आपका ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, जिससे ये वाला डायरेक्शन तो इस वाला डायरेक्शन वाला पार्ट आएगा आपका कंप्लीट, तो बी के ऊपर आपका सर्कल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाला आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ड्रिल 27 रिलेटेड फिगर्स ए, विच शेप और पैटर्न ऑन द राइट कंप्लीट्स द सेकंड पेयर्स इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर्स, सर्कल द आंसर, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल अपन समझते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है, यस एग्जांपल में देखो बच्चों, ये वाला जो बॉक्सेस है अंदर ट्रायंगल बना इज टू, ये इसका पेयर्स बना रखा, मतलब 1 2 3 3 फ्लावर्स के अंदर कलर करके एस। तो अब इसके वन ट्रायंगल के अंदर वन सर्कल बना हुआ है, सिर्फ सर्कल वन है, तो इस टू, तो इसके जैसा इसका पेयर्स कौन सा हो सकता है, तो इसका पेयर्स बच्चों ये सी वाला ही होगा, ये ऐसे और ये वाला सर्कल है ना, तो सी पे इसलिए सर्कल आया है। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, देखो एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, इसका पेयर्स ये वाला देखो जस्ट इसका अपोजिट दे रखा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसका पेयर्स जस्ट ये बता रखा है, तो अब इसका वाला पेयर्स कौन सा होगा बताओ, तो इसका जस्ट पेयर्स बच्चों जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा जस्ट कौन सा होगा, ये वाला है ना, ये वाली पोजीशन आएगी इसकी बी वाली पोजीशन, तो बी के ऊपर आपका सर्कल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले में ध्यान से देखो, ये इसका जो पार्ट है ये डॉट डॉट लगाना मत, डॉट डॉट लगाया हुआ है इसका मतलब यहां से कटा हुआ है, कि अगर कॉर्नर काट दिया जाए तो इसकी शेप कैसे बनेगी, ऐसे 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 और ऐसे, तो ये शेप एज इट इज ऐसे दे रखी है, वैसे ही बच्चों ये जैसे पोजिशन दे रखी, तो इसमें भी देखो डॉट लगा अगर इसको काट दिया जाए तो ये कैसे बनेगा, जैसे ऐसे 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 और ऐसे, तो इसकी पोजीशन सेम कैसे दिख रही है, इसकी जैसे दिख रही है ना, दिख रही है ना, कि अगर ये सारे कॉर्नर अगर काट के फिर ऐसे ऐसे लाइन मिला दी जाए, ऐसे ऐसे बना दिया जाए, तो किसकी पोजीशन बनेगी, इस जैसी पोजीशन बनेगी, तो ए पे आपका सर्कल आ जाएगा, ठीक है सेकंड क्लास, आया समझ में ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये थर्ड वाला है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस बच्चों 27 जो फील्ड नंबर है आपके, इसमें सिर्फ 3 प्रॉब्लम ही दे रखी है, जिसमें से मैंने आपको 2 सॉल्व करा दी हैं और एक आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।